दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 29 जुलाई 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024 को लेकर, जहां पर करंटली भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर है। 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज आपस में भारत और श्रीलंका खेल रहे हैं, जिस T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच कल हमें पेरिकेल के स्टेडियम से लाइव देखने को मिला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच रहा। इस शानदार मैच के दौरान काफी सारे बड़े-बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स यहां पर बने। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इस शानदार मैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस जबरदस्त मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। श्रीलंकन टीम को पहले बल्लेबाज करने का न्योता दिया था और भाई श्रीलंकन टीम का बैटिंग स्कोर कार्ड आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, जहां पर शुरुआत में लग रहा था कि बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जहां पर भाई पथु निशंका ने 32 रन बनाए, कुशल मेंडिस ने 10 रन बनाए, कुशल परेरा ने 53 रन बनाए, उसके अलावा मेंडिस ने 26 रन बनाए, श्रीलंका ने 14 रन बनाए और इस तरह से पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकन टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए थे। 162 रनों का एक एवरेज टारगेट यहां पर टीम इंडिया के सामने रखा था। भारतीय टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट श्रीलंकन टीम के बैटिंग डिपार्टमेंट को मतलब टोटली डिस्ट्रक्ट करता हुआ नजर आया। भारतीय बॉलिंग डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से श्रीलंकन टीम के बैटिंग ऑर्डर के परखच्चे यहां पर उड़ाए। खैर दोस्तों 162 रनों का टारगेट था और भारतीय टीम का जो बैटिंग स्कोर कार्ड है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाएंगे, जहां पर भारतीय टीम ने इस शानदार मैच में टारगेट को चेस करके एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहां पर सूर्य कुमार यादव के लिए बना दिया। जी हां, एज परमानेंट T20 कैप्टन यहां पर भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। जी हां, 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से अजेय लीड हासिल कर ली है। अब इस सीरीज का तीसरा T20 मैच कल यानी 30 तारीख को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इसी स्टेडियम में पेलिकेल के ही स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा। सीरीज का डिसाइडर तो खैर हो चुका है, भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, लेकिन दोस्तों अब यहां पर टोटल निगाह क्लीन स्वीप रहेगी। भारतीय टीम 3-0 से इस सीरीज को अपने नाम करना चाहता है। वही दूसरी तरफ श्रीलंकन टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार है, जिसके चलते तीसरा T20 मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है IPL 2025 को लेकर। जी हां, बिल्कुल अच्छी तरह से आप सभी को बताएगी, जब से IPL 2024 की समाप्ति हुई थी तब से ही BCCI, IPL गवर्निंग काउंसिल और IPL में पार्टिसिपेट कर रही सभी टीमों ने जोरों शोरों से IPL के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत यहां पर कर दी थी और भी लगातार हमें बड़े बड़े अपडेट्स IPL 2025 के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। जहां पर भाई आपको पता है BCCI ने ऐलान कर दिया था कि भाई IPL 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाले, जिसके चलते तैयारियां फिलहाल जोरों शोरों पर है। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में IPL 2025 को लेकर आप सभी IPL फैंस के लिए 4-5 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए वन बाई वन सभी अपडेट्स के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है BCCI की मीटिंग को लेकर। जी हाँ, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई BCCI ने फाइनली IPL 2025 के रिगार्डिंग अपनी पहली मीटिंग को होस्ट करने का विचार यहां पर बना लिया है। तारीखों को लेकर सस्पेंस बरकरार था, 30 जुलाई को मीटिंग होगी, 31 जुलाई को मीटिंग होगी, बट नाउ इट इज ऑफिशियल कंफर्म दैट BCCI इज गोइंग टू होस्ट द मीटिंग रिगार्डिंग IPL 2025 ऑन 31 जुलाई 2024। जी हाँ, 31 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2
बजे से शानदार मीटिंग का आगाज होगा। तीन बड़े मुद्दे इस मीटिंग के दौरान रहने वाले हैं। पहला मुद्दा यहाँ पर रिटेंशन को लेकर रहने वाला है, कितने रिटेन प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा, आरटीएम कार्ड को लेकर क्या अपडेट है, ये मतलब सभी चीजें वहां पर क्लियर होगी। और उसके बाद भाई सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पर्स बैलेंस रहेगा। हालांकि मैंने आप सभी लोगों को अपडेट पहुंचाया भाई पर्स यहाँ पर इंक्रीज होगा, 110-120 करोड़ तक जा चुका है, लेकिन भाई खबरें थोड़ी सी और हिलाने वाली है क्योंकि भाई पर्स यहाँ पर 130-140 करोड़ रुपए तक का जा सकता है। तो भाई सीरियसली यह एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा तीसरा मुद्दा यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर होने वाला है, जहाँ इंपैक्ट प्लेयर रूल के ऊपर भी लगातार अलग अलग तरह के अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। रूल को कैंसिल भी किया जा सकता है, कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इस मीटिंग के बाद ही हमें इन तीनों मुद्दों के ऊपर फाइनल डिसीजन बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, जी हाँ एमआई टीम को लेकर लगातार इंटरनेट पर अलग अलग तरह की खबरें चलती रहती, जिनको हम रेगुलरली कवर भी कर रहे हैं। एक तरफ पहले जहां पर रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के लीव करने की खबरें इंटरनेट पर बहुत ही बुरी तरह से फैली थी, लेकिन दोस्तों कल यहां पर एक और अपडेट इंटरनेट पर बहुत ही बुरी तरह से फैला, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की टीम अपने कप्तान को बदलने के लिए जा रही है। जी हां, हार्दिक पांड्या टीम के करंट कैप्टन और हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप के अंदर टीम ने बहुत ही बुरा और घटिया परफॉर्मेंस किया था, जिसके चलते आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की टीम एक नए कप्तान की तरफ यहां पर देख सकती है। और नए कप्तान के रूप में हाईली चांसेस के बीच सूर्य कुमार यादव एज मुंबई इंडियंस कैप्टन हमें देखने को मिले। लेकिन आपके मुताबिक मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान किसको होना चाहिए, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर, जी हां आरसीबी फैंस के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से एक अपडेट है कि आईपीएल 2025 में यह टीम अपने हेड कोच को बदल सकती है। जी हां, इन्होंने करंटली यहां पर रिसेंटली यहां पर जो जिनका एसोसिएशन भारतीय टीम के साथ था, राहुल द्रविड़ के साथ ये थोड़ा सा कनेक्शन में आए थे। राहुल द्रविड़ किसी ना किसी आईपीएल टीम को जरूर ज्वाइन करेंगे, अब किसको ज्वाइन करेंगे यह तो बड़ा सस्पेंस यहां पर जरूर है। लेकिन भाई ऐसे अपडेट्स निकल कर आए कि आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने राहुल द्रविड़ को एज हेड कोच पोस्ट के लिए अप्रोच यहां पर किया है। द्रविड़ ने कोई रिप्लाई अभी तक कोई रिस्पॉन्स यहां पर नहीं दिया है। खैर दोस्तों, जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आएगा तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2025 की ऑक्शन डेट को लेकर, जहां बड़ी खबर है। और भाई दो टेंटेटिव डेट्स यहां पर नीलामी की तारीखों के रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आए, जहां पर भाई यह तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि थर्ड वीक या फिर फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2024 में हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे। बट नाउ द अपडेट इज दैट भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन हमें 21 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर, इन दोनों में से किसी एक तारीख को होने वाले हैं। खैर दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाईली चांसेस है बेंगलुरु में हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के रिटेंशन प्रोसेस को लेकर, जी हाँ रिटेंशन को लेकर बड़ी गुत्थियां यहां पर फिलहाल बनी हुई है, नहीं सुलझ पा रही हैं। बट एज ऑफ नाउ द अपडेट इज दैट भाई 5 रिटेंशन कार्ड यहां पर इंप्लीमेंट में आएंगे, कोई आरटीएम कार्ड टीमों को नहीं मिलेगा। 5 रिटेंशन कार्ड में कुछ कंडीशंस यहां पर रहेंगी, जहां पर टिल नाउ अपडेट है कि भाई 3 तो आप इंडियन कैप्ड प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, एक आपको इंडियन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना पड़ेगा, एक आप ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। केवल सोर्सेज इस खबर को क्लेम कर रहे, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगा तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, जी हां अब समय आ चुका है उस सस्पेंस को खत्म करने का, उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चल रही है। क्योंकि भाई आपकी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जो वजह है, जो रीजन है, वो है होस्टिंग। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होस्टिंग राइट्स है, पीसीबी चाहता है कि हर टीम पाकिस्तान ट्रैवल करे, भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया। ऐसे में यहां पर बीसीसीआई की तरफ से कुछ अपडेट्स है कि भाई हमें फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 यानी भाई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में हमें आपकी बीसीसीआई के एक सॉरी बीसीसीआई आईसीसी और आपकी पीसीबी के बीच एक मीटिंग देखने को मिलेगी, जिस मीटिंग के दौरान आपके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइव वेन्यू के ऊपर फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। हाईली चांसेस है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमें हाइब्रिड मॉडल के साथ यहां पर देखने को मिलेगी। फिर भी दोस्तों, जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल
उत्तर आएगा तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है वर्ल्ड कप 2027 को लेकर, रोहित शर्मा विराट कोहली क्या वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा होंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओडीआई फॉर्मेट से दोनों ही प्लेयर्स ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है और भाई दोनों प्लेयर्स चाहते हैं वर्ल्ड कप 2027 के लिए। लेकिन इसके ऊपर हमारे कोच साहब, हमारे हेड कोच साहब गौतम गंभीर की स्टेटमेंट भी आ गई है। गंभीर ने ऐसा बोला है कि भाई यदि यहां पर दोनों खिलाड़ी बिल्कुल फिट एंड फॉर्म में रहते हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप 2027 की टीम का हिस्सा वो होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है भारत के एक्स प्लेयर जोगिंदर शर्मा को लेकर। जहाँ जोगिंदर शर्मा शुभांकर मिश्रा के एक जो पॉडकास्ट शो करते उसमें गए थे, वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया था गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के ऊपर। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मतलब गौतम गंभीर इतनी फाउंडेशंस में काम नहीं कर सकते हैं, गौतम गंभीर बिल्कुल ओपन माइंडेड है, वो जो उनके मन में आएगा वो अपना करेंगे, वो फायदा नुकसान कुछ भी नहीं देखते हैं। और भाई जिस तरह का माहौल यहां पर रहता है उस माहौल में गौतम गंभीर नहीं जी पाएंगे, जल्दी वो अपने हेड कोच के पद से रिजाइन कर देंगे, ऐसा यहां पर जोगिंदर शर्मा का मानना है। खैर दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, फिर भी भाई ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी तो भाई मेरा आपको बताना एक यहां पर छोटा सा फर्ज जरूर बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट है वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। जी हां, अब यह तो अपडेट आ चुका है कि भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करने वाले हैं। भारत के पास ट्रॉफी जीतने का एक और मौका यहां पर है। लेकिन भाई अब यहां पर जो नेक्स्ट मीटिंग आईसीसी की होने वाली, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, वहां पर हमें और भी अपडेट्स यहां पर देखने को लेंगे। जहां पर 20 में से 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है, 8 टीमें किस तरह से क्वालिफाई करेंगी, ये अपडेट्स भी हमें उसी दौरान देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहां दिनभर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।